हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिया एसेंस। आज मैं आप लोगों को एक पोटली के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत पुराने टाइम से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। जब भी कभी हम लोगों को किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर जब हमें खांसी, जुखाम और इंटरनल इन्फेक्शन जैसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अब वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें भीम से ही कपूर लेनी है। कितनी लेनी है? थोड़ी सी ले सकते हैं, करीब करीब इतनी। आप मार्केट से चाहे तो 100 ग्राम, 50 ग्राम कितनी भी ला सकते हैं, लेकिन एक पोटली में सिर्फ इतनी ही डालनी है। और करीब करीब देखिए इतनी इतनी आपको अजवाइन लेनी है, भुनी हुई अजवाइन। भुनी हुई कैसे? तवे पर उसे भून लीजिए। और लौंग लीजिए, और लौंग लेकर के ये तीनों चीज लेनी है आपको। तीनों चीज लेकर के एक कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें, और उस कॉटन के कपड़े में इन तीनों चीजों को डाल के और बांध लें। बांधने के बाद इसे टाइम टाइम से सूंघते रहें, और ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें, क्योंकि घर में रहेंगे तो इन्फेक्शन कम होगा, और जो इन्फेक्शन हो गया है वो इस पोटली को सूंघने से खत्म हो जाएगा। इस पोटली को बाहर लेकर के ना जाएं, क्योंकि बाहर लेकर के जाएंगे तो इन्फेक्शन के जो कीटाणु हैं वो इस पोटली पर भी आएंगे। तो इसलिए इस पोटली का इस्तेमाल घर पर ही करें। अगर इसको लेकर के कहीं जाते हैं तो किसी भी बंद डब्बी में डाल करके लेके जाएं, और कहीं सेफ जगह सूंघें, और फिर वापस इसी डब्बी में बंद करके रखें। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई बड़ों की बात। अब छोटे बच्चे जो पोटली होती है उसे कैरी नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, उसी टाइप की पोटली ना बना करके उसी टाइप में एक बैंड बना लेना है। कोई भी कपड़ा लेना है, उसमें ये सारी चीज लपेट करके और उनकी कलाई पर बांध दे, तो उससे बच्चा सूंघता रहेगा। बच्चे को बाहर ना जाने दे, और ज्यादा से ज्यादा मास्क का यूज करें। तो इस तरह से आप सिर्फ पोटली की सहायता से अपने इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। इसे यूज करें और अपनी परेशानी को खत्म करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।